शेख से मेरा सवाल है कि मेरा बेटा 23 साल का है, वो जी उसको अभी घर पे, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, तो घर पर अभी अपने अम्मी से हर दिन 200 रुपये लेता है अपने दोस्तों में खर्च करने के लिए, बाइक से घूमने के लिए, पेट्रोल अलग से पैसा लेता है, वो भी डरा धमका कर। तो ये उसका पैसा देना मेरे ऊपर फर्ज है, मेरे ऊपर वाजिब है, उसको मना कर सकता हूँ? और दूसरी बात ये कि क्या उसको डराने के लिए मैं पुलिस में कंप्लेन कर सकता हूँ? बात नहीं मानता है, कोई अदब एहतराम नहीं करता माँ बाप का उसको। मैं पढ़ा रहा, पढ़ाई का खर्च अलग है, उसे खाना पीना अलग है, वो घूमने के लिए और दोस्तों में खाने के लिए हर दिन 200 रुपये और पेट्रोल डालने के लिए पैसा है बाइक में, उसका पैसा अलग से लेता है। तो हम लोग परेशान हो गए हैं, इसके बारे में क्या करना चाहिए? हम समझा चुके हैं फिर भी नहीं मानता है, तो हम सोच रहे हैं कि पुलिस में कंप्लेन करें उसे डराने के लिए। ऐसा कर सकते हैं या उसको हम बोल सकते हैं कि ये हम तो पैसा नहीं देंगे, हमारे ऊपर वाजिब नहीं है पेट्रोल घूमने के लिए और नाश्ता करने के लिए अपने दोस्तों में? हाजिर और हाजिर जी 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 ठीक है जी शेख। देखिए, अगर ये जो आप बता रहे हैं कि वो इस तरह से इतनी रकम लेता है घूमने के लिए, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के लिए, तो ऐसी सूरत में तो आपके ऊपर वाजिब है कि आप उसको देना बंद कर दें, क्योंकि जिस पैसे से या जिस काम से वो बिगड़ रहा है, तो उसको बिगाड़ से रोकना तो आपके ऊपर वाजिब है। तो आप उसको पैसा देना बंद कर दें। और वो धमकी किस बात की देगा? माँ बाप को किस बात की धमकी देगा? माँ बाप के साथ वो क्या करेगा? तो अगर आपको लगता है कि इसी पैसा देने की वजह से बिगड़ रहा है, तब तो तरबियत के नाहिए से आपके ऊपर ये वाजिब हो जाता है कि आप उसका ये जो खर्चा पानी दे रहे हैं, ऊपर का जिस जो उसके बिगाड़ का सबब बन रहा है, इसको आप बंद करें। और बाकी आपको पुलिस में कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने तरीके से उसको समझाइए, उसको कंट्रोल में रखिए, उसको रास्ते पर लाइए। लेकिन परेशानी क्या है शेख, कि जो माँ जी बाप या जो जो जिसके वालिद जो है आमतौर से रोजी रोटी के लिए कमाने के लिए बाहर घर से दूर रहते हैं, तो घर में उमूमन ये हालात होते हैं। ये सिर्फ इनका मसला नहीं है, ये हिंदुस्तान में बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे लोगों का ये मसला है। लेकिन इनको चूंकि एहसास है, बेशतर लोगों को एहसास नहीं होता है। ये जो बाहर लोग रहते हैं अपने बच्चों को छोड़ करके 2 2 साल 3 3 साल पैसा कमाने के लिए, पैसा तो किसी तरह से वो कमा लेते हैं, लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि औलाद से वो हाथ धो बैठते हैं, उनकी कोई तरबियत नहीं हो पाती है। जब वो एक दिन जी बूढ़े होकर के खलीज से वापस आते हैं, तो खाली हाथ होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता है। जो पैसा कमाया हुआ है वो बीवी बच्चों ने उड़ा दिया है, और बच्चों की तरबियत नहीं हो पाई है, बच्चे जो है गलत रास्तों पर निकल गए हैं, और आखिरी उम्र में वो हाथ मलते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को मेरी नसीहत होती है आमतौर से कि ठीक है, अगर रोजगार के लिए आप बाहर गए हैं, तो आप अपना एक टारगेट लेकर के जाएं, वो टारगेट अचीव करें और वापस आ जाएं। आपके जो जी बीवी बच्चे हैं, आपका घर बार है, उससे ज्यादा अहम पैसा नहीं है। अगर आपने पैसा कमा भी लिया, वो पैसा आप किस लिए कमा रहे हो भाई? वो पैसा जो आपकी बीवी बच्चों के बिगाड़ का सबब बन रहा है, उस पैसे का क्या फायदा है? ये चंद दिन का जर्क बर्क और रंगीनी है, उसके बाद फिर आप आखिरी उम्र में कफे अफसोस मलने के सिवा आपके पास कुछ नहीं, कोई चारा नहीं होगा। तो इसका इलाज सिर्फ ये नहीं है जो आपने सवाल किया कि उसका खर्चा बंद कर दें, बल्कि इसका जो है मुकम्मल तौर से इस मसले पर लोगों को गौर करना चाहिए, और इसका सद्देबाप कैसे किया जा सकता है, क्योंकि मैंने देखा है पूरा मुआशरा का मुआशरा शेख इस सबब से तबाह हो रहा है। जो नई नस्लें हैं वो खराब हो रही हैं, बच्चे ना तो पढ़ पाते हैं, और बीवियों के जो हालात है वो यहां पर जिक्र नहीं किए जा सकते। और जो है, जब पैसा आता है, दौलत आती है, तो इंसान के अंदर तहजीब, तमद्दुन और तालीम आनी चाहिए, जी जबकि इस पैसे की वजह से, तालीम से, तहजीब से, तमद्दुन से, तरबियत से, तमाम चीजों से मुआशरा दूर होता जा रहा है। और जी मैं कई बार ये चीज कहता हूं कि ये जो रंगीनियां और जर्क बर्क हैं, ये बहुत वक्ती हैं। मेरे ख्याल से शायद ये एक नस्ल भी ना चल सके, इसके अंदर पायदारी नहीं होगी। लिहाजा ऐसे लोगों को इन हालात पर गौर करना चाहिए कि क्या हमें पूरी जिंदगी बाहर कंट्री में जाकर के पैसा कमाने के लिए गुजार देना है? क्या हमारे लिए ये ज्यादा अहम है, या हमारे लिए घर बार और बीवी बच्चे ज्यादा अहम है? जी 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 तो जी क्या बोलिए मैं
मैं अपने बच्चे से बोल सकता हूँ कि मैं जो भी तुमको इजाफी खर्च दूंगा, मैं लिख रहा हूँ ये कर्ज तुम पर तुमको वापस करना पड़ेगा, तुमको पढ़ाने में जो भी पॉकेट खर्च पेट्रोल भराने में मैं लिख रहा हूँ, मैं वाकई में लिख भी रहा हूँ और मैं उसे वापस ले लूंगा, तो ऐसा करना जायज है ना? देखिए, कर्ज आप किसी को जबरदस्ती थोड़ी दे सकते हो। जब सामने वाला कर्ज लेने पर राजी हो तब आप दे सकते हो। अगर वो इस बात पे तैयार ही नहीं है कि जो आप दे रहे हो ये कर्ज है, तो आप उसे वापस कैसे ले सकते हो? हाँ, अगर वो तैयार है तो ठीक है। अगर वो कहे कि हाँ मैं आपको वापस करूंगा, तो ठीक है, आप उसको बतौर कर्ज दीजिए। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ये बात जो आप कर रहे हैं ना, ये बात जो आप कर रहे हैं, इससे आप फकत अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं। इसका कोई फायदा नहीं। क्या आप मान लीजिए आज रोजाना उसको 1,000 रुपया जो है पॉकेट मनी दीजिए, क्या आपको लगता है कि कल वो आपको वापस करेगा? ये जो पैसा आप दे रहे हो, इससे वो मजीद बर्बादी की तरफ जाएगा और इस बात के इम्कान खत्म हो जाएंगे कि कल को आपके किसी काम आएगा। तो आप ये तवक्को रखना आपका कि मैं दे रहा हूं लिख रहा हूं, ये सिर्फ तसल्ली देने वाली बात है अपने आप को। मेरी शेख, मेरी पूरी कोशिश है, मैं घर पर रहूं, अपने बीवी बच्चों के साथ में रहूं, मेरी पूरी कोशिश है, मैं उसी के लिए मैं रुका हूं सऊदी अरब, मैं उसी के लिए रुका हूं, पढ़ ले और वो सऊदी अरब आ जाए, मैंने कामयाब हो जाए, मैं फिर मैं चला जाऊं रिजाइन देकर। जी बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद फरमाए आपकी। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया रहनुमाई करने के लिए, जजाकल्लाह खैर।